गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम VB.NET में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सबसे पहले होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता क्या है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, जब तक हम उसमें कुछ अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं करें उसको, वो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम है, एग्जीक्यूट होता जाता है। लेकिन कई बार हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है और लाइन बाय लाइन हर एक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करके जो हम चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स काम में लेने पड़ते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर्स जो प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहली जो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद में आगे की वीडियोज में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे और अदर स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशंस टू बी इवेल्युएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम अलोंग विद अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी ट्रू एंड ऑप्शनली अदर स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अब हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, इसका मतलब यही है कि जो हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं उसकी ज़रूरत है। वो क्यों है, क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है कि एक या एक से ज़्यादा कंडीशन देता है और उनको फिर टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशंस हैं, वो अगर ट्रू होती है, तब क्या करता है, उनके साथ में एक कोड रहता है। वो एक लाइन का भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है। तो अगर कंडीशंस ट्रू है तब उनको कोड को एग्जीक्यूट कराना है जो उससे रिलेटेड है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो अगर हम एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो दूसरे स्टेटमेंट्स भी है उनको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा हम समझेंगे डेटा फ्लो डायग्राम से, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है ये। देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर से हमारी एंट्री हो रही है प्रोग्राम को, यहाँ तक ये है कि लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा था। अब डेटा फ्लो डायग्राम में हमेशा हम जो कंडीशन होती है उसको, ये जो डायमंड शेप बना रखी है इसमें लिखते हैं कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो नीचे एरो जा रहा है और जो कंडीशनल कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इससे बाहर निकल जाएंगे और फिर नीचे वापस वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चालू रहेगा। लेकिन कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से हम बाईपास जाएंगे और बाईपास जाके बाहर निकल जाएंगे। ये होता है इफ, सिर्फ इफ कंडीशन होती है कि कंडीशन ट्रू है तब तो उनको एग्जीक्यूट करा दो और नहीं है तब कुछ मत करो। जैसे आप घर से बाहर निकले और बाहर बारिश आ रही है, बारिश आ रही तो आप छाता लेके जाओगे। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, बारिश आ रही है तो छाता लेकर जाओगे। लेकिन आप बाहर निकले और बाहर धूप निकली हुई है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, बारिश नहीं हो रही तो आप छाता लेकर नहीं जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप रियल लाइफ में खूब सारे एग्जांपल्स हैं उनको कोरिलेट आप कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट है, ये
सबसे सिंपल फॉर्म है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, ये शुरुआत यहीं से होती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो ये सबसे सरल रूप है। इसका यूज है हम फ्रिक्वेंटली करते हैं डिसीजन मेकिंग और चेंजिंग में, किसका, कंट्रोल फ्लो को चेंज करना ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने बताया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसका बाय डिफॉल्ट कंट्रोल फ्लो क्या होता है, टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन, लेकिन हम उस फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, एक नदी बह रही है तो नदी में पानी जाएगा, वो जहाँ स्लोप है उस साइड में अपने आप वो नदी अपना रास्ता मान लेगी, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करना है तो आप उस पर डैम बना दोगे, और डैम में से आप वहाँ से कोई नहर निकाल के दूसरी जगह पानी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम चल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। तो हम कंट्रोल करते हैं फ्लो को, कंट्रोल स्ट्रक्चर काम में लेते हैं, और सबसे सिंपल है वो इफ देन। इफ देन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, इफ फिर रहता है कंडीशन। अब कंडीशन सिंगल कंडीशन भी रहती है या फिर मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है जो एंड या और के साथ में अटैच हो सकती है। देन जब कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद में जो स्टेटमेंट्स है या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और फिर एंड इफ, हम इफ से बाहर निकल जाएंगे और फिर वापस वही फ्लो प्रोग्राम का जो नेचुरली चलता है टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है तब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वैसे चलता रहेगा, हम डायरेक्टली लूप इससे बाहर निकल जाएंगे इफ से, जैसा हमने फ्लो डायग्राम में देखा है। अभी प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं इसको, हमने लिखा इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 10 देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड इफ, कि यदि ए की वैल्यू छोटी है या बराबर है, दोनों में से कोई सा भी ट्रू हो जाएगा, तो ए 10 से छोटा होगा तो भी हम एक्स के अंदर एक जोड़ देंगे, यदि ए 10 के बराबर है तो भी एक्स के अंदर एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9, 10, ठीक है, 10 तक जो वैल्यूज है हर एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर एक बढ़ा देंगे, प्लस 1 कर देंगे। लेकिन यदि ए की वैल्यू 11 हो गई, 12 हो गई, तो हम एक्स को वैसा ही रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन फॉल हो जाएगी, कंडीशंस फॉल्स होने पर हम डायरेक्टली इससे बाहर निकल जाएंगे। प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं इसको, देखिए जैसे कि हम क्लास बनाते हैं वैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया है, मॉड्यूल, और मॉड्यूल का हमने नाम क्या लिखा है, डिसीजंस। डिसीजंस नाम का हमने एक मॉड्यूल बनाया है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते कर्ली ब्रेसेस, इसलिए मॉड्यूल स्टार्ट किया है तो देखिए नीचे हम क्या करेंगे, एंड मॉड्यूल। फिर जैसा कि आप जानते हैं मेन फंक्शन तो हर जगह होता ही है, तो सब मेन, ये क्या है, सब मेन। फिर ये कमेंट लिखने का तरीका है हमारा vb.net में, सिंगल कोट लिख दिया उसके आगे कमेंट आ गया, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे क्या किया है, एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है इसलिए हमने इसको लिखा है, तो कमेंट है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाएंगे, ये प्रोग्रामर के काम की चीज़ है, ये प्रोग्राम को रीडेबल बनाती है। ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही इसको हमें समझा दिया कि हम क्या कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, डिम ए एज इंटीजर इक्वल टू 5, ये हमारा तरीका होता है vb.net में वेरिएबल डिफाइन करने का, डिम। ठीक है, ये डिम हमें हर बार लिखना ही है, और ये जो कैपिटल ए लिखा है वो हमारा वेरिएबल का नाम है, ये है वो वेरिएबल का नाम है, इसमें आप कुछ भी वेरिएबल का नेम अपनी चॉइस का लिख सकते हैं, एज
मतलब किस टाइप का होगा, जो वेरिएबल हम बना रहे हैं वो किस टाइप का होगा, तो यहाँ डेटा टाइप बताएंगे कि इंटीजर टाइप का होगा। ये यहाँ तक तो हो गया डिक्लेयर करना। अब हमने बोला था कि इसमें डिफिनेशन भी हम उसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसलिए असाइनमेंट 5, तो इसमें वैल्यू भी असाइन कर दी। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये वेरिएबल अपना डिक्लेयर हो गया डिम ए एज इंटीजर इक्वल टू 5। उसके बाद में है चेक द बूलियन कंडीशन यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अगेन हमारा क्या है, कमेंट लिखा है कि हम बूलियन कंडीशन को चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। इफ ए इज लेस देन 10 देन, यदि हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 से कम होगी तो क्या होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 तो ए से 5 तो 10 से कम ही है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके अंदर क्या है, ये इफ स्टार्ट हुआ यहाँ से और एंड इफ हो गया, तो ये बीच के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तब हम सीधा बाहर निकल जाते यहाँ। तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब प्रिंट करवाने के लिए जैसे सी सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, कॉन्सोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट के अंदर फिर हम एक स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए डबल कोट्स में ए इज लेस देन 10 और एंड इफ, फिर कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, अगेन हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए, कर्ली ब्रेसेस में 0 और फिर ए वेरिएबल का नेम। यहाँ गलत हो गया, ये हमारा कैपिटल ए बनाया था वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हमारा बनाया है वही रहेगा। और फिर कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, कॉन्सोल डॉट रीड लाइन उसकी है कि प्रोग्राम को कॉन्सोल स्क्रीन पर होल्ड करके रखेगा आउटपुट को, जैसे GTCH लगाते हैं सी सी प्लस प्लस में, ताकि जब तक कोई की प्रेस नहीं करे वो आउटपुट है वो होल्ड रहे स्क्रीन पर, नहीं तो वो क्या गायब हो जाता है, इसलिए ये लगाना है। तो ए इज लेस देन 10, वैल्यू ऑफ ए इज 5। फिर आता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू है तब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स हो गई तो हम सीधा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इससे फिर एक स्टेप हम एडवांस चलते हैं कि अगर फॉल्स हो तब भी हम कुछ काम करवाना चाहें तो, इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट है वो फॉलो किया जा सकता है, मतलब उसके बाद में हम लिख सकते हैं एल्स, और एल्स हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार यूज करेंगे, हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। और वो एल्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं इफ बूलियन एक्सप्रेशन रहेगी देन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, एल्स अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स होगी तो एल्स के नीचे वाला एग्जीक्यूट करा दो, स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तब तो ये वाले यहाँ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा दो, अगर ये फॉल्स होती है तो सीधा एल्स के नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। डेटा फ्लो डायग्राम में वैसे समझ सकते हैं, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो यहाँ राइट में देखिए इफ कोड, अगर ट्रू हो गई तो यहाँ इफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गई तो एल्स कोड हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, इससे इफ वाले ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मॉड्यूल बनाया, नाम क्या है डिसीजंस,
ये मेन फंक्शन बिल्कुल पहले वाला हमने प्रोग्राम देखा वैसे ही है बिल्कुल। बीच में हमने नई एंट्री की है, क्या की है देखिए, ये यहाँ वाला ये चीज़ नहीं आई है। सिंपल इफ देन में क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करा दो और फॉल्स है तब बाहर निकल जाओ एंड इफ कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रू है तब तो ये कराना ही है एग्जीक्यूट और फॉल्स है तो बाहर नहीं निकलना, फॉल्स है तो ये एल्स के नीचे वाले यहाँ वाले एग्जीक्यूट करवाने हैं। इतना सा डिफरेंस है इनमें। आगे आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्ट का मतलब घोंसला। तो क्या होता है जब ये कहीं भी हम काम में ले सकते हैं, किसी भी तरह के में, इफ एल्स में ले सकते हैं, लूप्स में ले सकते हैं, जब एक के अंदर एक, जब एक के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं हम। इफ एल्स लिया, उसके अंदर दूसरा इफ एल्स है, फिर उसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है, तो वो हो गई नेस्टिंग। तो हम इफ एल्स की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इफ और ये एंड इफ यहाँ हुआ, और ये बीच का जो है ये उसका बॉडी होता है अंदर। लेकिन बॉडी में भी हमने क्या किया, एक इफ और कर दिया अंदर, तो इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया, ये होगी नेस्टिंग। तो ये कितने भी लेवल हो सकते हैं, हमने एक के अंदर एक ही किया है, अंदर वाले के अंदर और लिख सकते हैं हम। प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, हमने मॉड्यूल बनाया, मेन फंक्शन बनाया, वेरिएबल्स डिफाइन किए, ए और बी दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इनकी वैल्यू 10 और 20 है। ये कमेंट लिखा, चेक करेंगे बूलियन कंडीशन, क्या ए बराबर है 10 के, बिल्कुल हमने 10 लिया है की वैल्यू। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन चेक द फॉलोइंग, अगर ट्रू हो गई तो क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है तो सीधा सा मतलब है इसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ही फॉर लिख दिया, इफ बी इक्वल टू 20, तो बी इक्वल टू 20 भी ट्रू है तो इसका मतलब इसके अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20, तो ये प्रिंट हो जाएगा जैसा आप आउटपुट में देख सकते हैं, ये पहली वाली लाइन। फिर अंदर वाला एंड इफ हो गया और बाहर वाला भी हो गया, फिर उसके नीचे वही प्रोग्राम जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, ये आउटपुट आ गया हमारा। फिर आता है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। अब इफ एल्स में क्या हो रहा था कि एक लिमिटेड कंडीशंस आ रही थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर नंबर ऑफ कंडीशंस हैं वो ज्यादा हो जाएं, जो हमारे पास ऑप्शन है वो ज्यादा हो जाए, कंडीशंस ज्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 10 आ गई तो 10 बार इफ एल्स लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा हमें और समझने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि हम केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसा कि आपने सी सी प्लस प्लस वगैरह में याद होगा आपको स्विच केस स्टेटमेंट लेते थे, तो वही केस स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर एक एक्सप्रेशन रहेगी सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट में क्या होगी, एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू नीचे केस रहेंगे इसके अंदर, जिस केस के बराबर रहेगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से रहता है, केस एक्सप्रेशन लिस्ट, क्रिया स्टेटमेंट्स, केस एल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट मस्ट इवेल्युएट टू एनी ऑफ द एलिमेंट्री डेटा टाइप इन वीवी रोड ने। एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगी, उसका मूल्यांकन होगा, मतलब उसका एक रिजल्ट निकलेगा, वो बराबर होगी
और वो वैल्यू कैसी होगी, जो एलिमेंट्री डेटा टाइप्स हैं हमारे वीवी डॉट नेट में। उनकी रेंज में वो आनी चाहिए, जैसे या तो उसकी जो वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की वो बूलियन में आएगी या बाइट में, या कैर, डेट, डबल, डेसिमल, इंटीजर, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है उनकी किसी ना किसी उनके डोमेन में होगी, रेंज में होगी। एक्सप्रेशन लिस्ट, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्लोजेज रिप्रेजेंटिंग मैच वैल्यू फॉर एक्सप्रेशन। तो ये जो लिस्ट आएगी नीचे अलग अलग केसेज में, वो एक्सप्रेशंस रहेगी जो कि मैच करेगी वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? जो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है सेलेक्ट में उसका जो रिजल्ट निकला है। मल्टीपल एक्सप्रेशंस क्लोजेज आर सेपरेटेड बाय कोमाज। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स फॉलोइंग केस दैट रन इफ द सेलेक्ट एक्सप्रेशन मैचेज एनी क्लोजेज इन एक्सप्रेशन लिस्ट। तो जो एक्सप्रेशन लिस्ट नीचे हैं केस वाली, उनमें से जहाँ भी सेलेक्ट वाली एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया है वो मैच होता है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स फॉलोइंग केस एल्स दैट रन इफ द सेलेक्ट एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी क्लोज इन द एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ एनी ऑफ द केस स्टेटमेंट्स। तो एल्स स्टेटमेंट्स में सबसे लास्ट में रखेंगे, तो ऊपर वाले जो केसेज है उनमें से कहीं से भी मैच नहीं हुई है वैल्यू, तो सबसे लास्ट में एल्स स्टेटमेंट से करेंगे। जैसे हम स्विच के अंदर डिफॉल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एंट्री होगी और एक्सप्रेशन आएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसको हम डायमंड शेप में लिखते हैं, इसको भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करेगा ये। अब उस वैल्यू को हम मैच करेंगे केस वन से। क्या केस वन में जो वैल्यू है उससे मैच होती है, तब तो इसका कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। अगर केस टू से मैच होता है तो केस टू वाला करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे केस थ्री वाला करेंगे। इस तरह से हम चलते रहेंगे। अगर कहीं भी मैच नहीं हुआ ऊपर वालों में, तो नीचे डिफ़ॉल्ट है जो एल्स हमने लिया है, तो वो एग्जीक्यूट होगा और फिर नीचे चला जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक में मैच हो गया, फिर भी आगे वाला हर एक वाला उसको चेक करेगा वो, और उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। मॉड्यूल डिसीजंस सब मेन लोकल वेरिएबल डेफिनेशन डिम ग्रेड एज केयर। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, ये जो ग्रेड है ये क्या है, वेरिएबल का नेम है हमारा, और ये हमारा सिंटेक्स होता है, ये डिम वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप केयर। तो केयर टाइप का हमने ग्रेड वेरिएबल ले लिया, और ग्रेड के अंदर हमने क्या असाइन किया है, कैपिटल बी। फिर सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेड में क्या है, बी। तो हम चेक करते जाएंगे, जहाँ भी बी से ही मैच हो जाएगा उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आए कॉन्सोल ए, ए से तो मैच नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हुआ। केस बी कोमा सी, ये एक से ज़्यादा है, इनमें से किसी से भी मैच हो जाए, तो बी से मैच हो गया, तो ये हो गया वेल डन। ठीक है, तो क्या आया आउटपुट, वेल डन, योर ग्रेड इज बी। तो ये वेल डन तो कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पर बी से भी मैच हो गया, तो वेल डन लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में आगे चलते गए और यहाँ एंड हो गया ये, क्योंकि एक जगह मैच हो चुका है, यहाँ एंड हो गया। अब इसमें प्रिंट कर रहे हैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, योर ग्रेड इज, ग्रेड क्या है, ये ग्रेड में क्या था वैल्यू, कैपिटल बी, तो ये कैपिटल बी यहाँ आ जाएगा, योर ग्रेड इज बी, ये आउटपुट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, जिनमें पहला जो होता है डिसीजन स्टेटमेंट्स वो पढ़ा हमने, और डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं उनमें शुरुआत होती है इफ देन से, उसके बाद में इफ एल्स आता है, फिर इफ एल्स इफ आता है। उसमें कितनी बार भी हम एल्स इफ उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अब
ज़्यादा अगर केसेज हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और उसको समझने में भी परेशानी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट केस काम में लेंगे। इसके बाद में हम आगे वाले जो वीडियो आएगा नेक्स्ट हमारा, उसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने सी सी प्लस प्लस जावा में पढ़े होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो वैसे इसमें वीवी डॉट नेट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। लूप्स होते क्या है वो समझिए पहले। क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से लिखा रहता है लाइन बाय लाइन, और इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब कई बार क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है वहाँ पर हमें उसे बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है कुछ, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि हम कोड को बचाने के लिए कि हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़े तब हम लूप काम में लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एक से लेके 100 तक की गिनती लिखनी है, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, लूप लगा दो आप। तो लूप का मतलब होता है ऐसे, ये लूप हो गया, तो लूप में हम गोल गोल घूमते रहते हैं उसी में, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम बाहर निकल जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लूप्स को डिटेल में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन पर क्लिक करने से आपको हमारी जो नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।